नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। थाना क्षेत्र में लगातार जगह जगह चोरी की घटना को लेकर गृह स्वामी दुकानदार काफी भयक्रांत। संदेह के आधार पर तीन को हिरासत में ले पुलिस कर रही है पूछताछ, चौथे की तलाश जारी। समस्तीपुर कल्याणपुर थाना क्षेत्र में लगातार जगह जगह चोरी की घटना को ले गृह स्वामी दुकानदार काफी भयक्रांत है। अज्ञात चोरों के द्वारा तांडव बीती रात फुलहारा स्थित भाजपा युवा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार के घर 14 लाख से अधिक की चोरी, 12 भर सोना के जेवरात, 8 लाख से अधिक नकदी, घर के आगे बड़े भाई मिंटू कुमार के किराना की दुकान से नकदी 45,000, खाता वही, कीमती सामान अज्ञात चोर चुरा कर फरार हो गए। अज्ञात चोरों का तांडव इतना ही नहीं रहा। फुलहारा गांव के वार्ड 2 निवासी लक्ष्मण पासवान के घर में रखे 5,000 नकदी, एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल सहित आवश्यक कागजात चोर लेकर चंपत हो गए। रामपुरा ग्रामीण हाट के समीप की किराना दुकान राम बाबू कुमार, चाय की दुकान कपिलेश्वर मंडल, बीमल बुक डिपो के श्याम मंडल आदि के दुकानों में चोरों ने ताला तोड़ा। चोरों के इस तांडव से लोगों हैरान है। खरीदों की सूचना पर पुलिस ने चोरों की घटना का जायजा लेते हुए गांव के ही तीन युवक को हिरासत में ले पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार हिरासत में लिए गए फुलहारा निवासी धीरेंद्र कुमार सिंह के पुत्र बंटी कुमार, बबलू कुमार सिंह के पुत्र गुलशन कुमार उर्फ करिया, सरवन झा के पुत्र लालू कुमार शामिल है। वहीं फुलहारा निवासी संतोष सिंह के पुत्र शांति कुमार की तलाश पुलिस को बेसबड़ी से है। बता दें कि थाना क्षेत्र के अजना पंचायत के जखरा गांव में जीवन बीमा अभिकर्ता के घर मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने 20 लाख से अधिक नकदी सहित जेवरात चुराकर फरार हो गए। 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इधर थाना अध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि भाजपा नेता के भाई मिंटू कुमार ने चोरी की घटना के संबंध में थाने में आवेदन दिया है। अग्रसर कार्रवाई जारी है, जल्द ही चोरों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। चोरों की घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में लोगों के रात की नींद हराम हो गई है। समस्तीपुर से टिंकू कुमार की रिपोर्ट। हमारा बेटी के फट्टा से मार कर आवेदन दिए हैं थाना में? दिए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी? पुलिस आई थी यहाँ? नहीं, पुलिस अभी तक नहीं आई। क्या नाम हुआ आपका? जानकी देवी। हाँ, रात्रि में जब हम लोग 10 बजे 10:30 बजे हम लोग खा पी के सो जाते हैं खाना खा, और उसके बाद मेरे घर पे अभी काम चल रहा है जिसमें अभी दरवाज़ा टूटा हुआ है मेरा, और मेरे घर के पीछे वेंटिलेटर है बाथरूम में, जिसके बड़ा सा वेंटिलेटर है जिसमें मतलब ग्रिल नहीं लगा हुआ है। और रात्रि में जब दुकान जब हम लोग सो गए थे उसके बावजूद 2:30 बजे चोरों के द्वारा मेरे दुकान पे ताला तोड़ करके उसमें से एक गल्ला बना हुआ था जिसमें खाता वही सब था जिसको कितना उधार दिया गया है और कैश था दुकान में, वो चोरी करके ले गया। और मेरे घर से जो मैं आभूषण और एवं 8 लाख रुपए कैश थे और 12 भरी के करीब मेरा सोना था, वो चोरी करके ले गया गया, चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया। उसके बाद प्रशासन के जब हम लोग को पता चला सुबह में 5 बजे, तो हम लोगों ने प्रशासन से अपील की, हम लोग प्रशासन के पास गया, प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करके अपना आय का एक्शन किया है। कितने लोग को मतलब पकड़ के ले गए हैं? दो तीन लोगों को पकड़ के ले गए हैं। लगभग कितने की राशि मतलब चोरी हुई है और कितने के आभूषण? 8,45,000 के करीब कैश, 40,000 का कैश और एवं 12 भरी आभूषण। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रभात कुमार नाम है।